सुनो, सिर्फ मैं और जय, बाकी सब यही रहेंगे। आते हैं उसको लेकर। क्या बात है गौरव? आदित्य है क्या? नहीं, वो तो कहीं बाहर गया है। कुछ बात थी क्या? कुछ खास नहीं, बस ऐसी कुछ बात करनी थी। अच्छा ठीक है, आता है तो बोलता हूँ। अच्छा एक काम करना, तू आ जा हमारे साथ नीचे। बताना गौरव क्या बात है। अरे कुछ सीरियस नहीं है, तो आ तो सही। एक मिनट मम्मी, मैं नीचे से आ रहा हूँ 2 मिनट में। ठीक है। बताने यार, बात क्या है? कुछ नहीं यार। क्या ना, आदित्य से कुछ हुआ है क्या? अरे कुछ नहीं, चल यार। बताना आदित्य ने कुछ किया और ये सब क्यों आया है यार? तो चल हमारे साथ रहो। नहीं बताना यार कुछ। अरे आना यार। आने दो उसको, एक बार फिर बात कर। क्या हुआ, क्यों बुला? गौरव का फ़ोन आया था, मीटिंग के लिए बोल रहा है। मुझे लगा तुम दोनों साथ रहोगे तो सही रहेगा। और क्या बोला वो? उसका ही है। हाँ गौरव बोल। हेलो आदित्य, तेरा भाई राहुल हमारे पास है। पास है मतलब क्या बोल रहा है? होटल के पीछे वाली गली में आ जा, सब बताता हूँ। ये गौरव क्या गेम खेल रहा है तू? कब से सोच रहा था, हिसाब बराबर करना है। प्लीज मेरे भाई को बचा लीजिए, प्लीज भाई साहब मेरे। मेरे भाई को छोड़ दे, प्लीज बचा लीजिए मेरे भाई को, प्लीज पुलिस को बुला लीजिए, प्लीज देखिए मेरे भाई को मार डाल लीजिए भाई साहब, प्लीज। और साले बहुत शाना बनते ना। चल 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 कट ले यहां से। आजी 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 Thank you.
13 अप्रैल 2012 मुंबई के अंधेरी ईस्ट इलाके की एक सड़क पर 16 वर्षीय आदित्य की हत्या हुई। हत्यारे उसके हम उम्र थे। इस मर्डर के चश्मदीद गवाह थे आदित्य का बड़ा भाई राहुल, उस सड़क के दुकानदार और राह चलने वाले आम मुंबईकर। यह हत्या रात को 10 और पौने 11 बजे के बीच हुई, जब मुंबई की सड़कों पर काफी चहल पहल रहती है। लेकिन इस सब के बावजूद आदित्य के भाई राहुल को उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए टैक्सी तक बहुत मुश्किल से मिली। आदित्य, राहुल, बेटा, ये क्या हो गया तुम्हें? आदि कहाँ है? आदि का सर फट गया। मेरे बेटा के साथ। आई एम सॉरी, हम आपके बेटे को नहीं बचा पाए। पुलिस को बुलाना होगा। जो है आदित्य को कितने अच्छे से जानता था। दोनों एक ही ट्यूशन क्लास में जाते थे। कौन सी क्लास? सक्सेस कोचिंग क्लास सर, यही महाकाली में। सर, वो गौरव घर आया था, पूछ रहा था आदित्य को, उनका शायद प्लान था मिलने का आज। और वो आदित्य के दोस्त नदीम और कृष्णा? वो सर आदित्य के साथ ही आए थे। लेकिन आदित्य का साथ नहीं दिया, दोनों भाग गए। हाँ सर, जैसे गौरव और उसके दोस्तों ने अटैक किया, दोनों भाग गए सर। गौरव का एड्रेस पता है? गौरव का एड्रेस नहीं पता, लेकिन हाँ नदीम और कृष्णा को जरूर पता हो। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और ये नदीम और कृष्णा को थाने ले आओ। ओके सर। नदीम और कृष्णा का एड्रेस तो पता होगा? हाँ सर, उनका पता। सर, लफड़े करके सब गायब हो गए साहब। गायकोट इलाके का नक्शा बनवा। साहब वो पंचनामा? भाई और दोस्त स्टेटमेंट देगा तो बहुत बड़ी बात होगी। भरी सड़क पर मर्डर होता है, 2 सेकंड के अंदर सारे शटर डाउन करके दुकानदार निकल जाते हैं। फिर बोलने में क्या जाता है, पुलिस रास्ते पे नहीं रहती, पुलिस अपना काम नहीं करती। चलो करो काम। यस सर। ये झड़प सरेआम हुई थी, लेकिन फिर भी भीड़ में से एक भी आदमी इसे रोकने के लिए आगे नहीं आया। ये कोई नई बात नहीं है। हम सभी अक्सर सड़कों पर दो लोगों या दो ग्रुप्स के बीच में हिंसा होते देखते हैं, लेकिन दखल देकर उस हिंसा को रोकने से कतराते हैं, क्योंकि हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। लेकिन जब बात आती है ऐसी वारदातों के खिलाफ मोमबत्ती वाला मोर्चा निकालने की, तो नागरिक पूरे उत्साह के साथ तुरंत हाजिर हो जाते हैं। हम कब तक ऐसी वारदातों के लिए पुलिस को दोष देते रहेंगे? एक आदमी आपसी दुश्मनी की वजह से दूसरे का कत्ल करने का प्लान बनाता है, पुलिस अंतर्यामी तो नहीं है कि उसके इरादों को पहले से ही भांप ले? सर, मैंने उन लड़कों को रोकने की बहुत कोशिश की थी, पर वो मन बना के आए थे कि आज तो मारे डालेंगे, और जाने से पहले आदित्य को इतनी जोर से धक्का दिया कि उसका सर पेमेंट से टकरा गया सर। उसके बाद तो मैं उसको जगा ही नहीं सका सर। इनमें नदीम कौन है, कृष्णा कौन है? सर मैं नदीम हूं। और तू कृष्णा? तुम लोगों को पता है तुम्हारा दोस्त आदित्य मर चुका है? मेरे को गौरव चाहिए, जल्दी बोलो किधर मिलेगा। और ये लफड़ा क्या? सर आज मेरा बर्थडे है, तो हम लोग मेरे घर पे सेलिब्रेट कर रहे थे, फिर कृष्णा और आदित्य अपने अपने घर को चले गए, और अचानक थोड़ी देर बाद आदित्य का मेरे पास कॉल आया।
हेलो। हाँ नदीम, गौरव का फोन आया था। किस बारे में? कॉम्प्रो करना चाहता है, मिलने के लिए बोल रहा है। लेकिन कॉम्प्रो तो हो गया था ना यार। वही तो मेरे को समझ नहीं आ रहा, साला मिलना क्यों चाहता है, मेरे को तो गोची लग रही है। अच्छा सुनना, तू भी चलेगा के साथ में? हाँ हाँ साथ में चलेंगे। तो एक काम करना, कृष्णा को भी कॉल मार, उसको भी लेते हुए चलते। फिर आदित्य और मैंने कृष्णा को पिक किया सर। तभी गौरव का फिर से फोन आया। हाँ गौरव बोल। तेरा भाई राहुल हमारे पास है। इस टाइम वो बोला आदित्य के भाई राहुल को उठा लिया है। आदित्य टेंशन में आ गया था सर। गौरव और आदित्य के बीच में क्या टेंशन था? इसको लेकर कॉम्प्रो हुआ था, माने मांडवली हुई थी। उस रात को सड़क पर इन दो गुटों के बीच में जो फसाद हुआ, उसकी जड़ एक मामूली सी अनबन दिखाई दे रही थी। लेकिन ऐसी मामूली अनबन को इस तरह का अंजाम देना, यह हमारी आज की युवा पीढ़ी की एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। ये तो नहीं बराबर है, कहाँ थे कल पूरा दिन? कितना वेट किया मैंने। एक्चुअली डैड कल घर पे जल्दी आ गए थे और कुछ मेहमान भी, तो रुकना पड़ गया। तो बता देती, फोन कर देती, टेक्स्ट कर देती। मिल रहे हैं ना फिर आज शाम को? ऑफ कोर्स वेट करूंगा मैं, डिच मत करना। बता, ड्रामा मत करो, पक्का आऊंगी। बाय बाय। आदित्य अंधा है क्या? क्या हो गया भाई? अभी तक कुछ हुआ नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा लफड़ा हो सकता है। वो गौरव है ना, वो भी श्रेय में इंटरेस्टेड है। अबे वो दोनों के बीच में आजकल बहुत बातें चल रही हैं यार। मैंने खुद देखा उनको टेलीफोन नंबर एक्सचेंज करते हुए। इतना ही नहीं यार, क्लास के बीच में टेक्सिंग चल रही थी दोनों के बीच में। गौरव बाहर चल जरा। किस खुशी में? कुछ बात करनी, चलते सर। अबे ओ श्रेया, क्या तेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है जो मैं से बात भी नहीं कर सकता? श्रेया मेरे ग्रुप की लड़की है। थी, तेरे ग्रुप में थी, अब वो मेरे ग्रुप में। देख यार गौरव, तू उससे दूर रह, समझ गया? आदित्य देख, अपनी ना तो फ्रेंडशिप और ना कोई लफड़ा है, फिर भी मैं तेरी हेल्प कर रहा हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि श्रेया एक टाइम पास आइटम है यार, सीरियस मत हो उसको लेके। भड़का मत तू मेरे को, श्रेया बहुत डिसेंट लड़की है। डिसेंट? तो ये देख, तेरी डिसेंट लड़की ने कितना डिसेंट SMS भेजा है मुझे। देख श्रेया और मैं BBM पर है। टोपी लगा रहा है तू मेरे को? मैं क्यों तुझे टोपी लगाऊंगा, मैं तो तेरे आंखों पे से बंधी हुई पट्टी हटा रहा हूँ। ये देख। बोल रहा हूँ तुझे, टाइम पास आइटम है यार। फिर भी डुबकी मारनी है तो तू भी मार, लेकिन मजनू मत बन, फालतू में किसी दुखी आत्मा की तरह यहाँ वहाँ पड़ा रहेगा। ए! 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 क्या चल रहा है सब? चलो बंद करो। चलो देखो जो 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 करना है बाहर जाके करो, सब बाहर। चलो बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो, चलो बाहर। तो उस थप्पड़ के बदले में आदित्य की जान ली गई? हाँ सर, हम पक्का नहीं बोल सकते सर। वो थप्पड़ वाली बात के बाद गौरव ने भी उंगली करना शुरू कर दिया था, वो सीधा आदित्य की मम्मी को फोन मारने लगा। हेलो आंटी, मैं आदित्य का दोस्त बोल रहा हूँ। हाँ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरे नाम की छोड़िए और अपने फैमिली के नाम की चिंता कीजिए। ये क्या बोल रहे हो तुम? आपका बेटा फुल ऑन आउट ऑफ लाइन चला गया है, 2400 घंटे लड़कियों के पीछे घूमता रहता है। और लड़कियां भी ऐसी ना आंटी कि आप देख लोगी तो उल्टी कर दोगी। देखो कौन हो तुम, चाहते क्या हो? मुझे आप अपना एक वेल विशर समझिए और अपने बेटे को तरीके से रहना सिखाइए। समझाइए उसे कि लड़कियों का पागलपन भूल जाए
अगर आप भी बैठ के तमाशा देखती रही ना आंटी, तो एक दिन पूरी फैमिली सर्कस बन जाएगी और फिर पछताने से भी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। हेलो सुनो, हेलो। अब देखो क्या आदित्य का क्या होता है। सही है बात। मेरा आदित्य लड़कियों के पीछे भागता है? नहीं। What nonsense आदित्य, मैं और गौरव सिर्फ ओके ओके टाइप फ्रेंड है। अगर एक फोटो खींच भी ली तो बिग डील। श्रेया, तुम मेरे ग्रुप को बिलोंग करती हो। मैं किसी को बिलोंग नहीं करती। पर श्रेया, तुम और मैं सिर्फ अच्छे फ्रेंड्स हैं। ओनली गुड फ्रेंड्स, दैट्स इट। ओह ओके, ओनली गुड फ्रेंड्स। और तुम और गौरव, तुम दोनों क्या हो? तुम उसे नॉनवेज मैसेज करती हो ना? दिस इज टू मच यार, जासूसी की भी कोई हद होती है। मैंने उसे सिर्फ फनी मैसेजेस भेजे थे। ओके फाइन, अगर मैंने उसे अडल्ट मैसेजेस भेजे भी तो व्हाट? आई मीन हम लोग अडल्ट्स हैं, कोई दूध पीते बच्चे नहीं। ऑलराइट, देखो यार, जो हुआ सो हुआ, नॉट एनीमोर, समझी तुम? तुम उसके साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखोगी, हाय भी नहीं बोलोगी। यू नो व्हाट आदित्य, जस्ट गो एंड टेक अ वॉक। ऐसी धमकियां मैं अपने डैड की भी टॉलरेट नहीं करती, सो जस्ट चिल। नाम क्या बताया? गौरव। नाम तो नहीं बताया बेटा। अब फोन किसने किया उसे क्या फर्क पड़ता है, क्यों किया इस बारे में सोचो। बेटा कहीं तुम सचमुच कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में तो नहीं फंसे हो ना? पापा, आप एक अजनबी की फोन कॉल के चलते अपने बेटे के ऊपर शक कर रहे हो। पापा ये जो कोई भी है जरूर दुश्मनी निकाल रहा है आदित्य से। मुझे नहीं लगता हमारा आदित्य ऐसा कुछ कर सकता है, और ना ही हमें ऐसी फोन कॉल्स को सीरियसली लेना चाहिए। देखो बच्चों, हम मिडिल क्लास लोग हैं। मैं मानता हूँ कि मैं छोटा मोटा बिजनेसमैन हूँ, मेरी न्यूज़पेपर की एजेंसी ठीक ठाक चल रही है, लेकिन विचारों से हम मिडिल क्लास लोग ही हैं। हमारी सोच अलग है। ये पढ़ाई के वक्त गर्लफ्रेंड, हंसी मजाक, ये सब हमें नहीं चलता। देखो बच्चों, आज तक तुम अच्छी तरह से पढ़ते आए हो, अच्छे मार्क्स लाते रहे हो, कुछ भी हो जाए ये सिलसिला टूटना नहीं चाहिए, लगाम ढीली नहीं पड़नी चाहिए। पापा आप कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हो, इतनी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना रहे हो आप। बिना आग के धुआं नहीं निकलता, और आग फैलने में देर भी नहीं लगती, इतना तो मैंने अपनी जिंदगी में सीखा ही है। ये आग पक्का उस गौरव की लगाई हुई है भैया। तुझे कैसे पता? अरे मेरी किसी और के साथ उस टाइप की दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी? कैसी दुश्मनी? भैया हमारे ग्रुप में ना एक लड़की है, वो उसे ग्रुप से अलग करने की कोशिश कर रहा है, और मम्मी पापा को मेरे खिलाफ भड़का रहा है, लेकिन मैं उसे जीतने नहीं दूंगा। मेरे भाई मेरी बात सुन, ये लड़कियों वाले मामले होते हैं ना, ये हार जीत वाले नहीं होते। सुन, जाने दे इस बात को। यहाँ दर्द होता है भैया, मुझसे सहा नहीं जाता। उसने उसको BBM पे भी ऐड कर लिया है, उसके और पास जाने की कोशिश कर रहा है वो। अब ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं होता भैया। कुछ भी हो जाए उसको ऐसा करारा जवाब दूंगा जिंदगी भर याद रखेगा वो। क्या हुआ गौरव, ये थोपड़ा कहाँ को लटका रखा है? कहीं नहीं बाबा। अरे बाप हूँ तेरा और तुझे अपना दोस्त भी मानता हूँ, मेरे को नहीं बताएगा तो किसको बताएगा? बोल क्या हुआ? क्या हुआ, कोई झगड़ा वगड़ा हुआ क्या तेरा दोस्तों से? दोस्तों के साथ नहीं बाबा, एक दुश्मन है। दुश्मन? दुश्मन कितना बड़ा वर्ड है, इसका मतलब ही जानता है तू? नहीं बाबा, सच में एक लड़की के साथ दुश्मनी है मेरी। अरे तो निभाना दुश्मनी, लेकिन दुश्मन के लिए ऐसा थोपड़ा बिगाड़ने का नहीं, इसका मतलब होता है दुश्मन की जीत, और किसी भी दुश्मन के लिए अपनी लाइफ नहीं खराब करने का, समझा? चला ठीक है।
2222777667667। लैंडलाइन है उसका? जरूर होगा मेरी जान। अबे वो गौरव के ग्रुप का एक लड़का नहीं था, उसी के सेलफोन में से तो ढापा था। उसने लिखा हुआ था गौरव। हेलो, आप गौरव की मम्मी हैं? जी हाँ, आप कौन बोल रहे? मैं कौन हूँ उसे आप गोली मारो। पहले आप पहचान लो कि आपका गौरव कौन है, क्या बनने वाला है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास तो आपका बेटा कर रहा है आंटी। साला इतना बड़ा लौंडियाबाज है, कितनी लड़कियों को छेड़ता है और फिर पिटता भी है। देख लो, कल को किसी को प्रेग्नेंट कर देगा, जिम्मेदारी आपके सर होगी। बस करो तुम। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि उसको बोलो कि बस करे, नहीं तो सारी जिंदगी आप सर पीट पीट के रहोगे। हेलो, ईंट का जवाब पत्थर से, पल्ला रीलोडेड। ईंट का जवाब पत्थर से, और फिर उस पत्थर का जवाब किससे? ये जवाबों का सिलसिला विनाश की निशानी है। लेकिन कुमार अवस्था, टीनेज में जब गर्म खून के अंदर एड्रेनलाइन उधम मचाता है, तब ये ईंटबाजी और पत्थरबाजी बहुत हीरोइक लगती है। लेकिन इस बहादुरी के पीछे की मूर्खता किसी को दिखाई नहीं देती। और फिर ये टेक्नोलॉजी आग में तेल का काम करती है। SMS, MMS, सोशल नेटवर्किंग, टेक्नोलॉजी के ये आधुनिक नमूने वरदान है या श्राप? क्या रोजमर्रा की जिंदगी की सादगी को ये कुचल रहे हैं? हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बुलंद आवाज में अपनी वैल्यूज और विजन की पब्लिसिटी करता है। हर कोचिंग क्लास इम्तिहानों के दौरान टॉप मार्क्स दिलवाने का वादा करती है। लेकिन जवान लड़के लड़कियां इन कॉलेजेस और कोचिंग क्लासेस में बिल्कुल फिजूल की बातों को लेकर अपनी जिंदगियां उलझा देते हैं। इस केस में ये दोनों लड़के, गौरव और आदित्य, एक ब्राइट फ्यूचर बाहें फैलाए इनका इस्तकबाल करने के लिए खड़ा था, लेकिन इन दोनों ने बर्बादी को गले लगा लिया। अबे ओ, राग मत दे, समझा? अगर पिछवाड़े में चार आने का भी दम होना तो आ जाना कल शाम को 4 बजे तोलानी कॉलेज के पीछे। सालों तुम सबकी पुंगी बजा देंगे। अबे ओ साले, कायरा वाली धमकी अपने पास रख, समझा? कौन बजेगा और कौन बजाएगा वो तो कल ही पता चल जाएगा। आ जाओ 4 बजे तोलानी कॉलेज के पीछे। आ रहे हैं साले। वो सुरवे चौल के लड़कों को भी बोल दे, सुहेल, दीपक और कल्पेश, ये तीनों तो गारंटीड आएंगे। सुपर्ब, फोड़ डालेंगे सालों को। क्या भाई साले, मेरे पीठ पीछे मेरी मम्मी को उल्टा सीधा बोलता है। शुरू किसने किया था साले? तूने नहीं फोन किया मेरी माँ को? दम है तो आंख में लाना, शर्मा गया रहा हीरोइन की तरह। देख, फुल एंड फाइनल वार्निंग दे रहा हूँ तुझे, भूल जा श्रेया को, और भी लड़कियां क्लास में। तो मैं भी तो ये बोल रहा हूँ, भूल जा श्रेया को, और भी लड़कियां क्लास में। गौरव, आदित्य, क्या यार, हम एक लड़की के लिए काय को इतनी माथाफोड़ी कर रहे? कल वो तुम दोनों को ठेंगा दिखा के गई तो क्या कर लोगे तुम दोनों यार? फैक्ट है यार, तुम दोनों ने एक दूसरे के घर पे फोन करके सबसे बड़ी मिस्टेक की है। मेरी मानो, एक दूसरे को सॉरी बोलो और खत्म करो यार। सही बोल रहा है यार ये। देख यार गौरव, मेरे को तेरी मम्मी से ऐसी उल्टी सीधी बात करके बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन स्टार्ट तूने किया था। सटक गई थी यार मेरी। चल ठीक है, सॉरी बोलता हूँ। उस दिन कैफे में मैंने तेरे ऊपर हाथ उठाया, उसके लिए मैं तेरे से सॉरी बोलता हूँ। हाथ मिलाना। ये वही ना बात, जब सब कुछ सेटल हो गया था तो गौरव और उसके दोस्तों ने आदित्य पर हमला क्यों किया, उसे क्यों मार डाला? सर वो तो हमें भी मालूम नहीं है, हमें बस इतना मालूम है कि उसके कनेक्शंस बहुत थे। सुरवे चौल वाले सारे लड़के उसको जानते थे, उसके साथ भी थे। हम लोग को उन लोग से पंगा नहीं लेना था, उन लोग बहुत डेंजरस है, इसलिए हमने आदित्य का कॉम्प्रो करवाया था। पर गौरव ने अपना फैसला क्यों बदला, क्यों अटैक किया, हम लोग को कुछ नहीं पता सर। गौरव को मालूम होगा, पक्का मालूम होगा।
गौरव कहाँ है? क्यों, क्या हुआ इंस्पेक्टर? गौरव कहाँ है? वो अपने कमरे में सो रहा है। क्या बात, बात क्या हो गई? बहुत सो लिया, अब जागने का वक्त आ गया, बताओ कहाँ है। लेकिन इंस्पेक्टर ये तो बताइए, गौरव ने किया क्या? गौरव ने अपने क्लासमेट आदित्य का मर्डर किया। आप ऐसे कैसे ले आ सकते हैं मेरे बेटे को? ठीक है, आप भी चलिए, आपके सामने पूछताछ होगी। बाकी के लड़के कहाँ मिलेंगे तू बताएगा। बाबा, जब सब कुछ सेटल हो गया था तुम्हारे और आदित्य के बीच, तो क्यों मारा उसे गौरव? हाँ, हाथ मिलाना। सर, गौरव तूने सच में मिट्टी डाल दी क्या? छोड़ना यार, सॉरी बोला ना उसने, बात खत्म। ये अच्छा है हा? पहले सबके सामने उसने तेरे को थप्पड़ मारा और उसके बाद प्राइवेट में एक पिद्दी सी सॉरी बोल दी। कहना क्या चाहते है तू? मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसने तेरा कचरा किया है। तू उसे कितना भी भाई बना ले या कितना भी दोस्त बोल ले, वो जो पांच उंगलियों के निशान है ना, तेरे गाल से हटने वाले नहीं है। हाँ, और वो तुझे जब भी तिरछी स्माइल देगा ना, वो तेरे लिए इशारा होगा कि मैंने तुझे थप्पड़ मारा था और तूने वो थप्पड़ खाया था, वो भी पब्लिक के बीच में। और मेरे भाई, ये सीन डिलीट या फॉरवर्ड नहीं सकता, ये सीन तो हिट हो गया। तो यार करूँ तो करूँ क्या? तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे बस उसे आसमान से थोड़ा नीचे लाना है। तुझे भी उसे थप्पड़ की वही गूंज सुनानी है। साला क्लास की हर लड़की को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझता है, बहुत स्टड बना फिरता है ना। और फिर श्रेया को लेकर तुम दोनों के बीच में तो कोई कॉम्प्रो हुआ ही नहीं बे, बातों बातों में वो बाजी मार गया। और मैं एक बात तुझे गारंटी के साथ बोलूं, उसने थप्पड़ वाली बात श्रेया को जरूर बताई होगी, वो भी नमक मिर्च डाल के बताई होगी। और वो तो उसे अपना हीरो समझती है, और तुझे जीरो। बस मुझे उसकी रूखी सूखी सॉरी पसंद नहीं थी, तड़पाना चाहता था उसे, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहता था। Happy birthday to you, happy birthday dear Nadi. अबे ओ, जल्दी कर। गौरव, बात तो सिर्फ एक थप्पड़ की हुई थी ना, तो फिर ये हॉकी और सरिये वरिये किस लिए? ईंट का जवाब पत्थर से, थप्पड़ का जवाब डंडे से। देख गौरव, सोच ले रिस्क है, अगर कुछ भी उल्टा सीधा हो गया ना तो वाट लग जाएगी। अरे तुम लोग काहे के लिए टेंशन ले रहे हो यार। अबे यार कुछ केस वेस हो गया तो? एक मिनट, हाँ गौरव। हेलो बाबा, आपने कहा था ना कि दुश्मनी के लिए लाइफ नहीं खराब करनी चाहिए। बेटा वो तो मैं अब भी कहूँगा। बाबा मैं ना दुश्मनी खत्म करने वाला हूँ, दुश्मन ने मुझे जितनी भी टेंशन दी, माँ से जिस तरह बात की, सबका बदला लेने वाला हूँ मैं उससे। अरे बेटा ऐसा सबक सिखाना कि किसी और के साथ ये सब करने की हिम्मत भी ना करे, ठीक है? अच्छा बाबा, अगर कुछ भी हुआ तो आप साथ दोगे ना मेरा? अरे बेटा ये भी कोई कहने की बात है? अरे बाबा हूँ मैं तेरा, तेरे लिए कुछ भी करूँगा। बाबा एक बार फिर से बोलना। बेटा जो करने का बिंदास करने का, मेरे होते हुए तेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। थैंक यू बाबा, मेरे बाबा का फुल ऑन सपोर्ट है। अब बोलो। बोलना क्या है, जाके बोलती बंद कर देते हैं साले की। हाँ गौरव बोल। हेलो आदित्य, बैठने का प्रोग्राम है, आ रहा है क्या आज? हाँ हाँ अभी के क्वार्टर मारते, चीयर्स करते दोस्ती के नाम। अरे यार आज तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, कल बैठते ना शाम को। क्या यार हीरो के पी गिरी खाएगी गिरी यार। तो आजा मैदान में होटल के पीछे, वेट कर रहा हूँ तेरा।
नहीं आएगा बेबो। अब नहीं आएगा तो उठा लेंगे इस साले को, क्या बोलते हो? और फिर हमने आदित्य के भाई राहुल को उठा लिया। प्लीज बचा लीजिए मेरे भाई को, प्लीज। और साले जा। इन सबका स्टेटमेंट लो शिंदे, जीवनल कोर्ट में पेश करेंगे। चलो चलो। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर मुझे सच में नहीं मालूम था कि मामला इतना सीरियस है और ये लोग इस तरह का कुछ भी प्लान कर रहे हैं। मुझे तो लगा कि बच्चों का झगड़ा है, लेकिन इंस्पेक्टर मेरा गौरव इस तरह का बिल्कुल भी नहीं। जरूर जरूर उस लड़के ने इन्हें भड़काया होगा। इंस्पेक्टर ये भी हो सकता है कि उसका खून किसी और ने किया हो और ये लोग मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रहे हैं। जी हाँ। नहीं सर, नहीं, मैं था वहां पर, मैं गौरव से भीख मांगता रहा कि प्लीज आदित्य को छोड़ दो, पर गौरव और उसके दोस्तों ने आदित्य को तब तक नहीं छोड़ा सर जब तक वो मर नहीं गया। मर रही है सर, आपका बेटा डिस्टर्ब था, वो दुश्मनी निकालना चाहता था और आपने एक पल भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। आप सबके बच्चे माइनर है, नाबालिग है, पूरा दिन इंटरनेट पे लगे रहते हैं, कीमती से कीमती फोन उनके हाथों में होता है और जब ये कीमती फोन हर दो मिनट में चीखते हैं तो ये चीख बर्बादी की दस्तक होती है, लेकिन आप लोग के कान आंख सब बंद रहते हैं। इस केस में पूरी जिम्मेदारी मैं आप लोग पर नहीं डाल रहा हूं, मैं उस लड़की से भी बात करूंगा, हम इस केस की तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन एक बात का दुख होता है, एक जवान लड़का इतनी एनर्जी से भरा ऐसे मारा जाता है, व्यर्थ है, बिल्कुल व्यर्थ। सॉरी सर, मैं इन सब में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं थी, मुझे तो पता भी नहीं था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी, पता था तो उन दोनों से सारे रिलेशंस तोड़ देती सर। मुझे तुम्हारे फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी श्रेया, तुम तीनों के बीच में जो भी मैसेजिंग हुई है उसकी सारी डिटेल्स मुझे चाहिए। श्योर सर। ठीक है, आप लोग जा सकते हो, ज़रूरत पड़ी तो मैं फिर बुलाता हूँ। थैंक यू। एक जवान जिंदगी हमेशा के लिए खो दी गई। गौरव और उसके दोस्तों को जुविनाइल कोर्ट में पेश किया गया, फिलहाल वो करेक्शन सेंटर में है क्योंकि वो सभी 18 की उम्र से कम थे, माइनर थे। क्या ये हत्या रोकी जा सकती थी? बिल्कुल रोकी जा सकती थी अगर पेरेंट्स और कोचिंग क्लास के टीचर्स इस फसाद के बुलबुले को सुन लेते। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इस तरह के फसाद और खतरे के बुलबुले सुनाई दे जाएं? क्या यह हत्या इस सड़क पर रोकी जा सकती थी? बिल्कुल रोकी जा सकती थी अगर आसपास के लोग, गाड़ियां, दुकानदार, इनमें से कोई भी एक ठोस एक्शन लेता, पुलिस को इत्तला करता तो जरूर कुछ हो सकता था। लेकिन ज्यादातर लोगों ने बस एक ही सवाल उठाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली और वो सवाल था, उस सड़क पर कोई पुलिसमैन ड्यूटी पर क्यों नहीं था? दोनों लड़के पढ़ी लिखी सभ्य मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे। झगड़ा हुआ था एक लड़की के फोन मैसेज को लेकर, लेकिन क्या यह केस ईव टीजिंग का था या फिर यह झगड़ा दो टीनेज लड़कों के बीच
एक लड़की का अटेंशन पाने के लिए हुआ था, या फिर वो लड़की बिल्कुल इनोसेंट थी और उसे जबरदस्ती सब में घसीटा गया था। सारे सवालों के बाद एक ही बात बार बार जहन में आती है कि जो हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ये भटके हुए जज्बात, ये भटका हुआ गुस्सा और भटकी हुई वन अपमैनशिप, बहुत बड़ी कीमत वसूल की इसने। हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी, कोशिश जारी है, लेकिन चांस भी तो आना चाहिए ना। गोपिता, जल्दी कुछ करना पड़ेगा, इतनी आमदनी में और नहीं होगा। नई नौकरी चाहिए गोपिता। तेरी हालत समझता हूँ मैं, जरूर कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालूंगा, हिम्मत रख। गोपिता, मुझ पर दो बच्चों की जिम्मेदारी है। जो तू तेरे तलाक के बाद अकेले ही निभा रही है। समझता हूँ, सब समझता हूँ, मुश्किल दौर है, लेकिन तू टूटना नहीं, होगा कुछ ना कुछ जरूर होगा। बहुत जल्द खुशखबरी सुनाऊंगा नम्रता, भरोसा रख अपने गोपीदा पर। अच्छा, पाव किलो दाल देना। अरे नम्रता दी, केमन आछो? आमी भालो आछी रीना, तुई? वही रोज का तरकारी लेने जा रही है। अच्छा रीना, मेरी एक मदद करेगी? हाँ बोलो ना दीदी। बीच बीच में आशी और सोनू को तेरे घर भेज दूँ पढ़ाई के लिए। वो क्या है ना, मेरे माँ बाबा के लिए उन्हें संभालना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अरे दीदी, उसमें पूछने की क्या बात है, मैं तो कहती हूँ रोज भेजो उन्हें। इतना सारा होमवर्क दूंगी कि उन दोनों को मस्ती करने के लिए बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलेगा। ठीक है रीना, थैंक यू। ठीक है, मैं चलती हूँ, बाय। अरे 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 अरे, मेरी आशी और सोनू बेटा क्या कर रहा है? तुझे तुम लोग के लिए देखो मैं क्या लेके आई हूँ। देखो, ये एक तुम्हारे लिए टॉफी और ये तुम्हारे लिए टॉफी। अब जाके खेलो बेटे। नम्रता, ऐसे कैसे बेटा? हे बाबा, आज के दिन सब भालो? तो सब भालो बाबा। नम्रता, ऐसो ऐसो, अरे जल्दी से हाथ मुंह धोले, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। आजा आजा। हेलो हेलो, नम्रता बाजी? जी हाँ, बोल रही हूँ, आप कौन? मैं सुनीता नंदियाल बोल रही हूँ दिल्ली से। जी कहिए, क्या काम है? देखिए, काम तो आप ही के काम का है। आपको नौकरी की तलाश है ना? हाँ हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता और तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? एक्चुअली मैं एक प्लेसमेंट एजेंसी में जॉब करती हूँ और दार्जिलिंग मेरे अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं जो लोगों को जॉब दिलवाते हैं। इनफैक्ट मैं खुद भी दार्जिलिंग की ही हूँ और वहाँ की बहुत सी लड़कियों को मैंने यहाँ दिल्ली में जॉब भी दिलवाई है। कैसा जॉब? यहाँ दिल्ली में एक बड़ा मॉल है जहाँ पे एक मेगा स्टोर में एक सेल्स वूमेन की जरूरत है। लेकिन दिल्ली? हाँ दिल्ली, देखो शुरू शुरू में लगेगा कि तुम विदेश में हो, लेकिन यकीन मानो हमारी वहाँ की बहुत सी औरतें हैं यहाँ पर। अच्छी सैलरी, रहने की जगह, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी नम्रता। सुनीता जी, मुझे सोचना होगा। हाँ हाँ, इतना बड़ा फैसला है, सोच समझ कर ही लेना। मैं फिर से फोन करूंगी। ठीक है। दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल। नम्रता एक 34 वर्षीय तलाकशुदा महिला थी जिसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, अपने दो छोटे बच्चों को
अच्छा भविष्य देना। फिलहाल बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा था और फिर अचानक ये जॉब ऑफर आया दिल्ली से, जो नम्रता के गांव से लगभग 1,500 किलोमीटर दूर था। एक ऐसा ऑफर जो नम्रता की जिंदगी की सूरत हाल बदल सकता था। लेकिन क्या नम्रता बागची के दरवाजे पर बेहतर जिंदगी ने दस्तक दी थी या फिर सीरियस खतरे ने? हेलो, तो नम्रता बाची, क्या सोचा है आपने जॉब ऑफर के बारे में? वो सुनीता जी, मैंने सोच लिया है, मैं कर लूँगी। बढ़िया, बहुत ही सही फैसला किया है नम्रता तुमने। देखो, अगले सोमवार से तुम्हारी ज्वाइनिंग है, तो पूरा एक हफ्ता है तुम्हारे पास। लेकिन मुझे कहाँ आना होगा और ये सब होगा कैसे? तुम इसकी बिल्कुल फिक्र मत करो, सब कुछ बहुत कायदे से होगा। देखो, आज 16 मार्च है और 19 मार्च को तुम्हें दार्जिलिंग बस स्टैंड पहुँच जाना है, और वहीं से मेरा लोकल रिप्रेजेंटेटिव तुम्हें पिक करके सिलीगुड़ी छोड़ देगा, और वहीं से हमारी कंपनी का दूसरा रिप्रेजेंटेटिव वाया कोलकाता तुम्हें दिल्ली ले आएगा। लेकिन दार्जिलिंग बस स्टैंड पे मैं आपके आदमी को पहचानूंगी कैसे? उसकी चिंता तुम बिल्कुल मत करो, उन लोगों के पास तुम्हारा नंबर है, वही तुम्हें कॉल करेंगे। भालो, लेकिन वो सुनीता जी, हमारी तनख्वाह के बारे में तो बात हुई नहीं। देखो, तुम अभी नई हो इसलिए 20,000 से ही शुरुआत करेंगे। 20,000? पूरे साल के सिर्फ 20,000? साल के 20,000 नहीं नम्रता माची, महीने के 20,000। ठीक है तुम्हारे लिए? अरे बाबा, महीने के 20,000? हाँ बिल्कुल ठीक है। भालो, 22 मार्च से तुम्हारी ड्यूटी शुरू हो जाएगी और 19 मार्च को तुम्हारा पिकअप होगा, लेकिन तनख्वाह तुम्हारी 19 मार्च से ही जुड़ी जाएगी, तो सब सेटल ना? हाँ हाँ भालो। अच्छा सुनीता जी, थैंक यू। हाँ तो जल्दी मिलते हैं नम्रता हम लोग, ओके? आशी, आबार बोलो हैं? हाँ। दुई एके दुई, दुई एके दुई, दुई दुगने चार, दुई दुगने चार, तीन दुगने छोए, तीन दुगने छोए, चार दुगने आठ, चार दुगने आठ, पांच दुगने दस, पांच दुगने दस। दीना, इन दोनों ने तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? अरे नहीं दीदी, दोनों बहुत होशियार है पढ़ाई में। आशीष सोनू, चलो घर चलते। कैमोन अच्छीश नम्रता, तुम्हारा कामकाज कैसे चल रहा है? आसान नहीं है बहुदी, लेकिन माँ दुर्गा की कृपा से बहुत जल्द कुछ अच्छा होने वाला है। जरूर अच्छा होगा, तुम बच्चों को कितनी अच्छी तरह से बड़ा कर रही हो। अच्छे लोगों की फरियाद दुर्गा माँ हमेशा सुनती है। आशीरिना, अरे काका की गाड़ी आ गई। नमस्कार दादा। नमस्कार, नमस्कार। काका को नमस्कार करो। नमस्कार काका। अरे जीते रहो प्यारे बच्चों। और नम्रता, फैक्ट्री में काम ठीक है ना? दादा, मैं एक नई नौकरी ज्वाइन कर रही हूँ। अरे वाह, कहाँ? दिल्ली में। हुरी बाबा, अरे दार्जिलिंग से दिल्ली कैसे पहुँच गई नम्रता? दादा, मैं एक नई नौकरी की तलाश कर रही थी, एक एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है, उन्हें खबर लगी तो उन्होंने मेरे लिए ढूंढ ली। हेलो, भाग खुल गए तुम्हारे नम्रता। हाँ, सब माँ की कृपा है दादा। अच्छा दादा, तुम यखन आराम करो, अमी आछी। टाटा। आछी रीना। टाटा। अच्छा है नम्रता, तुम्हारी आमदनी भी अच्छी होगी और दिल्ली में इन दोनों बच्चों का परवरिश भी तुम अच्छी तरह कर पाओगी। बाबा माँ, पहले मैं वहाँ अकेले ही जाऊंगी और फिर बाद में इन दोनों के लिए आऊंगी। काश तेरा तलाक नहीं हुआ होता ना, तो ये दिन देखने नहीं पड़ते। माँ, जो हुआ उसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन जो है और आगे जो होगा उसे मैं बदलने की कोशिश तो कर ही सकती हूँ ना। गुंती सुनो, कल सुबह सुबह 5 बजे मुझे सिलीगुड़ी के लिए भाड़ा मिला है, तुम एक काम करना, सुबह 4:30 बजे याद करके मुझे जगा देना। हाँ हाँ, जगा दूंगी। बाबा, नम्रता दी अपने बच्चों के साथ दिल्ली में अकेले कैसे रह पाएगी? इतनी भोली औरत का ऐसे तलाक हो जाएगा, कौन जानता था। और फिर
अब तो उसके सर पे दो बच्चों की जिम्मेदारी भी आ गई। यहाँ बड़ी बुरे दिन देखे हैं बेचारी ने, शायद दिल्ली में उसकी किस्मत खुलेगी। माँ दुर्गा उसकी हमेशा रक्षा करे। हाँ माँ, वो तो सब ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। दिल्ली बहुत दूर है और बहुत बड़ी भी, न जाने कैसे कैसे लोग होंगे वहाँ। बेटा, उसकी तकदीर में जो लिखा है वो उसे मिलके ही रहेगा, और फिर किस्मत के लिखे को कौन टाल सका आज तक। नम्रता के पड़ोस में रहने वाली 16 वर्षीय रीना उसके इस फैसले से थोड़ा परेशान थी। उसे ये बात खाई जा रही थी कि दार्जिलिंग की एक तलाकशुदा महिला को दिल्ली में बिना किसी जान पहचान के एक अच्छा जॉब ऑफर दिया गया था, और वो अपने बच्चों के साथ वहां सेटल होने जा रही थी। शायद ये उसकी सिक्स सेंस की दस्तक थी जो बिल्कुल जायज थी। दो दिन बाद नम्रता दिल्ली के लिए रवाना होने वाली थी। दादा एक टका। सवा सौ रुपया। दादा 100 में दो ना। ना बौधी, 105 की तो खरीदे, 110 से कम ही नहीं दूंगा। दादा क्या फर्क पड़ता है, 100 में दो ना। नहीं, 110 से कम भी नहीं होगा। ठीक है, दे दो। नम्रता दीदी, नम्रता दीदी। अरे रीना तू ही? अरे लगता है आपने तो पैकिंग भी कर ली। वो परसों जा रही हूँ ना मैं। वैसे दीदी एक बात पूछूं आपसे, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? अरे ना रे, क्या बात है बोल। दीदी दिल्ली से एक ऐसे ही औरत ने आपको फोन कर दिया और आप चल दी? अरे नहीं पागल, ऐसी बात नहीं है। पहले मैंने यहाँ के कुछ लोकल लोगों को बता रखा था कि मुझे नौकरी चाहिए। इस औरत को उन्हीं से मेरा नंबर मिला होगा। किसे नंबर मिला? दीदी आपको पता भी है क्या कि यहाँ दार्जिलिंग में कोई ऐसा है जो उस औरत को जानता हो? नहीं, डिटेल में पता नहीं उसको किससे नंबर मिला, लेकिन उस औरत ने बताया कि वो दार्जिलिंग से ही है और उन्होंने यहाँ के कई औरतों को दिल्ली में नौकरी दिलवाए हैं। पता लगवाया आपने किस किस्म की नौकरी? हाँ, बड़े से मॉल में सेल्स वुमन की नौकरी है और तनख्वाह अच्छी खासी दे रहे हैं। किसी को बताना नहीं, महीने के पूरे 20,000 दे रहे हैं। 20,000 महीने के? और सुन, रहने की जगह भी दे रहे हैं। और कहाँ होगी ये जगह? नौकरी दिल्ली में है तो रहने की भी जगह वहीं पे होगी ना, आसपास कहीं। अच्छा, कंपनी का नाम मालूम किया आपने? नहीं, वो नहीं पता किया मैंने, लेकिन वो औरत बता रही थी कि दार्जिलिंग बस स्टॉप तक आ जाना, वहाँ हमारा आदमी तुम्हें कॉल करेगा और तुम्हें वहाँ से सिलीगुड़ी लेके जाएगा, फिर सिलीगुड़ी से तुम्हें दूसरा आदमी दिल्ली पहुँचाएगा। 22 तारीख से ज्वाइन कर रही हूँ मैं ड्यूटी। अच्छा रीना सुन, आशी और सोनू को मैं यहाँ माँ बाबा के यहाँ छोड़ के जा रही हूँ। पहले खुद सेटल हो जाऊँ वहाँ पर, फिर वापस इनको लेके जाऊँगी यहाँ से। बीच बीच में अगर हो सके तो मेरे बच्चों का ख्याल रखना रीना। रीना कहाँ खो गई तू? कहीं नहीं दीदी, कहीं नहीं। तो अगर कोई आपके सपने को थाली में परोस कर देता है तो उस फरिश्ते के चेहरे के पीछे एक खतरनाक चेहरा भी हो सकता है और आप उसके जाल में फंस सकते हैं, इसीलिए हमेशा संभल के। नम्रता दीदी आप उन्हें नहीं जानती, वो आपको नहीं जानते, तो भी उन्होंने आपको 20,000 की नौकरी दी और रहने के लिए घर भी, वो भी दिल्ली में। आपको डर नहीं लगता? थोड़ा बहुत डर तो लगता ही है रीना, लेकिन उनका ऑफर इतना अच्छा था कि इसीलिए तो। इतने सारे पैसे, वो भी आपका काम बिना जाने? नहीं रीना, वो औरत हमारे इलाके की ही है, सुनीता नंदियाल नाम है उसका। वो हमारी मेहनत और काबिलियत को जानती है। मुझे इस औरत को जानना है। क्या मतलब? दीदी मुझे इस औरत का नंबर चाहिए, मुझे उनसे बात करनी है। क्या बात करनी है तुझे उससे? दीदी आप नंबर तो दो प्लीज। अच्छा ठीक, देती हूँ। हेलो। हेलो सुनीता जी। हाँ कौन बोल रही हूँ? मैं रीना बोल रही हूँ दार्जिलिंग से। मैं नम्रता बागची को जानती हूँ और मैंने सुना है कि आपने उन्हें कोई जॉब ऑफर की है। हाँ तो मुझे भी एक ऐसे ही जॉब चाहिए। वो क्या है ना, मेरे घर के हालात काफ़ी ख़राब है, आप मदद कर दे तो। हाँ हाँ ज़रूर, हमारे यहाँ नौकरियों की कमी नहीं है। एक काम करो, तुम भी नम्रता के साथ दिल्ली आ जाओ,
तुम्हारी भी मैं कोई सेटिंग कर दूंगी। ओ थैंक यू सुनीता जी। वैसे मेरी सैलरी कितनी होगी? देखो शुरुआत में 15-20 हज़ार ही महीने के मिलेंगे, फिर भी तुम्हारी काबिलियत और मेहनत पर ही डिपेंड करता है। ज़्यादा काम करोगी तो ज़्यादा ही मिलेगा। मैं सिर्फ 16 साल की हूँ, क्या वाकई मुझे ऐसी नौकरी मिलेगी? उम्र से कोई मतलब नहीं हमारा, दरअसल तुम्हारी उम्र ही तुम्हारा फ़ायदा करेगी। और तुम्हारी जैसी उम्र की लड़कियों को तो और आसानी से नौकरियाँ मिल जाती है। एक बार तुम आ तो जाओ यहाँ पे, हो सकता है तुम्हें सैलरी नम्रता से ज़्यादा ही मिले। ओ थैंक यू सुनीता जी, मैं नम्रता दीदी के साथ आ जाऊँगी। ठीक है, मैं तुम दोनों का इंतज़ार कर रही हूँ। हेलो निर्मल सर, मैं रीना बोल रही हूँ दार्जिलिंग गवर्नमेंट स्कूल से। रीना? अच्छा अच्छा, हाँ रीना बोलो, क्या बात है? सर मुझे एक हेल्प चाहिए। हाँ बताओ, कैसी हेल्प? सर मेरी एक नेबर है, मुझे लग रहा है कि उन्हें किसी जॉब रैकेट में फंसाया जा रहा है। ओके, और तुम्हें ये कैसे पता चला? बस सर अंदर से लग रहा है, उसके साथ कुछ जरूर गलत होने जा रहा है। देखो रीना, फिलहाल तो मैं गैंगटॉक आया हूँ किसी काम से, मैं आज शाम को ही दार्जिलिंग वापस लौटूंगा। और अगर तुम्हें सच में लगता है कि कोई गड़बड़ है तो तुम दार्जिलिंग के एसपी साहब के पास चली जाओ, आई एम श्योर वो तुम्हारी मदद करेंगे। थैंक यू सर। एसपी साहब अब मिलेंगे, आप अंदर जाइए। जी। कौन सी क्लास में पढ़ती हो रीना? सर क्लास 11th दार्जिलिंग गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में। तुमने ये कैसे तय कर लिया कि तुम्हारी पड़ोसन नम्रता के साथ कुछ गलत होने जा रहा है? सर जो दीदी को जॉब ऑफर दी गई थी वो एबनॉर्मल है, अजीब है, मतलब बिना किसी जान पहचान के इतनी बड़ी तनख्वाह, कुछ तो गड़बड़ होगी ना सर। समझ सकता हूँ, लेकिन तुम इन सब बातों की जानकारी कैसे रखती हो? सर हमें ये सब बातें हमारे स्कूल में सिखाई गई है। देखो स्टूडेंट्स, मैं घुमा फिराकर बात नहीं करूंगा, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग मेरी बात बहुत ध्यान से सुने। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में जानती हैं आप लोग? नो सर। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब इंसानों की तस्करी। अच्छा इतना तो मालूम ही होगा आप लोगों को कि हमारा ये पूर्वांचल इलाका, साथ ही पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, इस पूरे क्षेत्र में कितनी गरीबी है, लाचारी है। यस सर। तो कुछ लोग हैं बुरे लोग, बहुत बुरे लोग, जो चील और गिद्ध की तरह हमारे इलाके पर मंडराते रहते हैं, गरीब और बेबस लोगों पर झपट पड़ते हैं, खासकर औरतों पर, आप जैसी लड़कियों पर। उन्हें अच्छी अच्छी नौकरी देने का वादा करते हैं, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, यहां तक कि विदेश का भी झांसा देते हैं। और क्या आपको पता है कि आगे चलकर इन औरतों के साथ, आप जैसी लड़कियों के साथ क्या होता है? उन्हें बेच दिया जाता है, प्रोस्टिट्यूशन के रैकेट में धकेल दिया जाता है। देखो स्टूडेंट्स, आप लोगों को बेकार में डराने का मेरा इरादा बिल्कुल भी नहीं है, मैं बस इतना चाहता हूं कि आप सब लोगों में सावधान रहने की एक आदत पड़ जाए, क्योंकि ये जो ट्रैफिकिंग के एजेंट्स होते हैं ना, बहुत चालाक लोग होते हैं, शातिर लोग होते हैं, अपनी मीठी मीठी बातों से आपका विश्वास जीत लेंगे। उनके लिए हर एक उम्र की औरत या लड़की सिर्फ और सिर्फ एक बिकाऊ चीज है, और अपना मकसद हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसीलिए अगर आप सब लोगों के सामने ऐसा कोई ऑफर आता है जो यूं चुटकी में आपकी सारे परेशानियों को दूर करने का वादा करता है, उस ऑफर को आप लोग हर एक एंगल से टटोल कर देखिएगा, और जरूरत पड़े तो सरकार और पुलिस की मदद भी लीजिएगा। एक एनजीओ ने रीना के स्कूल में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में एक अवेयरनेस क्लास कंडक्ट की थी। रीना एक समझदार और होनहार स्टूडेंट थी, उसके सतर्क दिमाग ने उसे दस्तक दी कि नम्रता एक दलदल में पैर रखने जा रही है। अब सवाल यह था कि क्या रीना के डर में कोई सच्चाई थी या फिर एक 16 साल की टीनेजर का वहम था यह।
PI मधु गर्ग, क्राइम ब्रांच। मधु, मैं SP राजन बोल रहा हूँ। यस सर। एक केस है, सेंसिटिव है। मैं चाहता हूँ कि इसका चार्ज तुम पर्सनली लो। बिल्कुल सर। नम्रता, रीना बच्ची नहीं है। इसके मन में जो डाउट्स उठ रहे हैं वो हमारे मन में भी उठ रहे हैं। हमने दिल्ली पुलिस से बात की है और वो लोग ये नंबर ट्रेस कर रहे हैं जिससे आपको फ़ोन आया था, और हमें शक है कि ये कोई एम्प्लॉयमेंट एजेंसी नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा रैकेट चलाया जा रहा है। ठीक है मैडम, मैं दिल्ली नहीं जाऊँगी। नहीं, तुम दिल्ली जाओगी। क्या मतलब मैडम? आप बोल रही है रैकेट है और आप ही मुझे उस तरफ भेज रही है। नम्रता, तुम अकेली नहीं जाओगी। तुम्हारे जरिए हम इस पूरे के पूरे रैकेट की कमर तोड़ देंगे। तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। तुम नहीं जाओगी तो ये लोग हमारे हाथ में कभी नहीं आएंगे। लेकिन मुझे करना क्या होगा? तुम दोनों प्लान के मुताबिक 19 मार्च की सुबह दार्जिलिंग बस स्टैंड पर पहुँच जाओगी। दिल्ली की सुनीता नाडियाल के रिप्रेजेंटेटिव तुम्हें वहाँ एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। ये आदमी हमारे मुताबिक इस रैकेट की पहली कड़ी होंगे। मैडम जी, आपका काम सही है लेकिन हमारी बच्ची और नम्रता, इन दोनों को आप खतरे में क्यों डाल रही हैं? आपकी बेटी रीना और नम्रता अब हमारी जिम्मेदारी है। हमारे आदमी सादे कपड़ों में हमेशा इनके साथ मौजूद रहेंगे और उन एजेंट्स को धर लेंगे। लेकिन मैडम, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप मेरी रीना को तो इन सबसे बाहर ही रखिए। अरे, ये तो भी बच्ची है। हमारे पास इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। शुभंदा, नम्रता, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, मैं हमेशा लोगों के साथ रहूँगा। रीना और नम्रता पर कोई आँच नहीं आएगी दादा, मैं वादा करता हूँ। बाबा, मैं जाऊँगी, नम्रता दीदी को भी साथ ले जाऊँगी। अगर उनका सच में कोई रैकेट है तो उन्हें पकड़ना भी ज़रूरी है ना बाबा। इससे हमारे इलाके की कई दूसरी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच सकती है। वेरी गुड रीना, शाबाश, तुम बहुत बहादुर लड़की हो। मुझे लगता है कि यही हमारी पार्टी है। चलकर पूछते हैं। तू यही रुक, मैं पूछ कर आता हूं। नमस्कार, क्या आप ही दिल्ली जा रही हैं? हाँ दादा, आप कौन? जी मैं आपका सेवक, मैं आपको सिलीगुड़ी के दार्जिलिंग चौक तक लेकर जाऊंगा, आइए। भागेगा, क्राइम ब्रांच से भागेगा। चलो ले जाओ इसको। मैंने कुछ नहीं किया मैडम। कसम से मैडम,
हमारा काम सिर्फ इन दोनों को सिलीगुड़ी के दार्जिलिंग चौक तक पहुंचाना था मैडम। वहां इनका आदमी इनकी डिलीवरी लेने आने वाला था मैडम। कौन आदमी, किसके आदमी? जाने ना मैडम, जाने ना, हर बार अलग अलग आते थे, हमें तो ये भी नहीं पता दिल्ली से इन्हें किसने फोन किया। चलो फोन निकालो अपना, स्विच ऑफ करो इसको। यस मैम। डालो इनको अंदर और इन दोनों को अच्छी तरह से कुछ देर के लिए स्विच ऑफ कर दो। ये दोनों आदमी हमारा पहला पायदान है, अगला पायदान हमें सिलीगुड़ी के दार्जिलिंग चौक पर ही मिलेगा। हमें जैसे भी हो उन तक पहुंचना पड़ेगा मैम। हम उन तक पहुंचेंगे निर्मल। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रैकेट्स एक रिले रेस की तरह होते हैं, हर खिलाड़ी अपने आप से ही दौड़ते हैं और दूसरा खिलाड़ी उसके आने का इंतजार करता है। लेकिन मैम हम सिलीगुड़ी वालों तक पहुंचेंगे कैसे? दिल्ली की सुनीता नंदयाल तुम्हारे हर एक मोमेंट्स को ट्रैक कर रही होगी। जैसे ही तुम उसके रडार एरिया पर नजर नहीं आओगी वो खुद ब खुद तुम्हें फोन करेगी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स एक हाथ से दूसरे हाथ एक्सचेंज होते रहते हैं। मंजिल तक पहुंचते पहुंचते ना तो विक्टिम और ना ही हैंडलर्स, दोनों को इस पूरी चेन का बिल्कुल पता नहीं चल पाता। और ये मंजिल होती है बड़े शहरों की भूल भुलैया। इन कॉन्क्रीट जंगलों में वाइट कॉलर वाले भेड़िए इन औरतों और लड़कियों पर टूट पड़ते हैं, उन्हें हर तरह से नोच डालते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में चेन की कड़ियाँ बहुत बारीक होती हैं, इसलिए बेहद जरूरी हो जाता है कि पुलिस बहुत सावधानी और गुप्त रूप से अपनी कार्रवाई करे ताकि कोई भी कड़ी पूरी तरह से टूटने ना पाए। और अगर ऐसा होता है तो इस रैकेट का हाथ लगना बहुत मुश्किल हो जाता है। कॉल लो नम्रता और फोन को स्पीकर पर डालो, उनसे कहो कि दार्जिलिंग बस स्टैंड पे तुम्हें कोई लेने के लिए नहीं आया था। हेलो। हेलो नम्रता, कहाँ हो तुम? रीना हम तो यही है सुनीता जी, दार्जिलिंग में, लेकिन बस स्टैंड पर हमें कोई लेने नहीं आया, हमने पूरा एक घंटा इंतजार किया। लेकिन तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं फोन किया? एक्चुअली सुनीता जी सच कहूँ तो हमें लगा हमारे साथ किसी ने मजाक किया, इसलिए हम चुपचाप वापस घर आ गए। पागल हो गई हो क्या? मतलब इन सब मामलों में कोई मजाक क्यों करेगा? अच्छा एक काम करो तुम, अभी कभी तुम लोग वापस दार्जिलिंग बस स्टैंड जाओ और वहाँ से सिलीगुड़ी की बस लेके दार्जिलिंग चौक पे उतर जाना। ठीक है चलो फटाफट निकलो, वहाँ पे मेरे रिप्रेजेंटेटिव तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है सुनीता जी, हम बस आधे घंटे में यहाँ से निकलेंगे। ओके बस अब हम हमारा मेन ऑपरेशन लॉन्च करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले उन लोगों को हिरासत में लेंगे जो तुम लोगों को सिलीगुड़ी से दिल्ली पहुंचाने वाले थे। लेकिन मैम हमें उनके साथ क्या करना होगा? तुम लोग बस हमारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती रहना, बस में सभी पैसेंजर्स हमारी टीम के होंगे, तुम लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब डरने की बारी इस रैकेट वालों की है। जय हिंद मधु जी। जय हिंद शर्मा जी, हम इस रैकेट की दूसरी टीम को पकड़ने के लिए निकल पड़े हैं सिलीगुड़ी के लिए। आप दिल्ली के इस सेल पर क्लोजिंग कीजिए। हमने उस नंबर को ट्रेस कर लिया है जी, द्वारका इलाके से ऑपरेट हो रहा है। आप भी फुल अलर्ट पर रहिएगा शर्मा जी, हम जैसे ही सिलीगुड़ी के सेल वालों को अरेस्ट करते हैं आपको इन्फॉर्म करते हैं। और आपकी कॉल के बाद हम इस सुनीता नांदियाल की खबर लेंगे जी। ऑल दी बेस्ट मधु जी। आपको भी शर्मा जी।
जी मैडम। देखो वो दोनों पहुंच ही रहे होंगे, उनसे बात किए हुए करीबन 1-1.5 घंटा हो गया है। मैडम आप टेंशन मत लीजिए, हम हर बस को स्कैन कर रहे हैं, हम उन दोनों को पहचान लेंगे। देखना उसमें से एक औरत होगी 30-35 साल की और एक लड़की है 16 साल की। जी मैडम। और सुनो, अब से मेरा कॉन्टैक्ट बंद हो रहा है, मुझे कोई फ़ोन मत करना और उन दोनों को मैं दिल्ली से पिक करवा लूँगी। ठीक है मैडम। जनाब सेल फोन की लोकेशन इस कॉलोनी के अंदर से 10 मिनट में मैक्सिमम सर जी एग्जैक्ट ट्रैक पकड़ा जाएगा। ट्रैक करते रहना, अटैक के ऑर्डर्स कभी भी आ सकते हैं। बेहतर जनाब। दार्जिलिंग चौक आने ही वाला है। रीना, नम्रता, आप दोनों आराम से जाकर चौक पर खड़ी हो जाइएगा, जैसे कि आप लोग वहाँ किसी का इंतजार कर रहे हैं और हम लोग वहाँ पर चारों तरफ फैल जाएंगे। ठीक है? ठीक है। ठीक है मैडम। ड्राइवर, हमारे उतरते ही आप गाड़ी लेकर आगे निकल जाएंगे और ठीक 15 मिनट के बाद वापस लौट आना। जी दिल्ली। सेल्स वुमेन की नौकरी? हाँ सेल्स वुमेन की। अच्छा अच्छा। आप लोग हमारे साथ चलिए, आज शाम की ट्रेन है आपकी। हाँ मधु जी, हाँ फ्लैट ट्रेस हो चुका है। दूसरी कड़ी हमारी कस्टडी में आ गई है, आप सुनीता को धर लीजिए। जी बहुत अच्छा, धावा बोलने का टाइम आ गया है। मैडम जी, हमारा काम था सिर्फ इन्हें ट्रांसपोर्ट करना। हमारा काम तो इन दोनों को ट्रेन तक पहुंचाने का था। और ट्रेन में कोई दूसरा चार्ज लेने वाला था जो पार्टी को दिल्ली लेके जाता। मैम, दिल्ली वाली सुनीता नाडियाल छू हो गई है। दिल्ली पुलिस जब तक वहां पहुंची तब तक काफी देर हो चुकी थी और मैम उसका मोबाइल स्विच ऑफ है। शिट, डैम इट, कौन है ये दिल्ली की बिल्ली? मैडम आज तक सिर्फ फोन पे ही बात हुई है मेरी, आज तक कभी देखा नहीं है उसे, कभी मिली नहीं। जब जब हम कोई नई पार्टी को सिलीगुड़ी स्टेशन पे ले जाते हैं हमें हमारी मजदूरी मिल जाती है, लेकिन देने वाला हर बार कोई ना कोई दूसरा ही होता है।
हमें हमारी मेहनत के पैसे और जो सिलीगुड़ी वाले को देना होता है वो मिलाकर एक राउंड फिगर दे देते। दिल्ली से मैडम ने फ़ोन करके कहा था कि दार्जिलिंग वाले चूक गए हैं और पार्सल अपने आप आ रहा है। बंद कर दो इन लोगों को अंदर, और जो कुछ भी इनके अंदर है सब कुछ बड़े प्यार से निकलवाओ। कौन कौन से एजेंट्स हैं, कहाँ कहाँ से पिकअप किया है, आज तक कितने सारे पार्सल्स पहुँचाए हैं, सब कुछ इनसे उगलवाओ। लेकिन याद रखना, ये लोग मरने नहीं चाहिए, ठीक है? हल्के हल्के थप्पड़ों से शुरुआत करो। ले जाओ ना यहाँ से, चल। नम्रता, रीना, तुम दोनों का सफर अब यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम की तरफ से तुम दोनों को थैंक यू। तुम दोनों ने बड़े ही साहस और समझदारी से हम लोगों का साथ दिया। अब इस ऑपरेशन को हम लोग अपने तरीके से हैंडल करेंगे। निर्मल, यस मैम, तुम्हारा एनजीओ बहुत अच्छा काम कर रहा है। हम लोग जब इस रैकेट को पकड़ेंगे तब पकड़ेंगे, लेकिन तुम्हारे कारण आज एक औरत की जिंदगी बच गई है। कॉन्ग्रेट्स। थैंक यू। चलो आमी आसछी दीदी। रीना, थैंक यू, तुमने मुझे बचा लिया। अगर आज अकेली में दिल्ली चली गई होती तो पता नहीं कहाँ पहुँच गई होती। दीदी, मजबूरी में ऐसे जाल में फंसना बड़ा आसान होता है ना, किसी के साथ भी हो सकता था, शायद मेरे साथ भी। वो तो अच्छा हुआ कि स्कूल में हमें ये सब बातें पहले ही सिखाई गई थी और आज काम भी आई। बस हमें हर कदम पर बच बच कर चलना होगा, क्या करें, दुनिया ही ऐसी है। अच्छा दीदी, मैं चलती हूँ। रीना की बहादुरी के लिए दार्जिलिंग पुलिस ने उसे पुरस्कार देकर सम्मानित किया, और एक संगीन जुर्म को रोकने के लिए क्राइम पेट्रोल दस्तक इस टीनेजर बहादुर लड़की को सलाम करता है। साथ ही क्राइम पेट्रोल उस एनजीओ को भी सैल्यूट करता है जो पूरे जोश के साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में जानकारी फैला रहा है, जिसकी वजह से रीना ने इस केस में मदद की। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बहुत ही सीरियस जुर्म है जो बहुत तेजी से फैल रहा है। फ्लैश ट्रेड के ज्यादातर विक्टिम्स शिकार होते हैं एक झूठे वादे के, एक बेहतर जिंदगी का वादा जो कभी पूरा नहीं होता। पीड़ितों का एक बहुत छोटा हिस्सा इस रैकेट के चुंगल से भाग निकलता है। कुछ लड़कियों को पुलिस बचा लेती है, एनजीओस बचा लेती हैं, लेकिन इन पीड़ितों का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस देश के महानगरों और विदेशों के कुछ शहरों में बिखरा दिया जाता है। गुमनाम, बेसहारा और अक्सर बीमार इन औरतों के साथ दिन रात रात दिन हैवानियत चीर फाड़ करती है। इन जिंदा लाशों का दिलो दिमाग सुन पड़ जाता है, भरी रोशनी में भी सिर्फ अंधेरा नजर आता है। बस सांसें चलती हैं तो उन चार पैसों के लिए जो इनके दूर गांव में बैठे परिवारों को एक वक्त की रोटी नसीब करवाती है। क्या फ्लैश ट्रेड को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है? शायद कुछ हद तक कम तो किया ही जा सकता है, अगर इस रैकेट की छोटी से छोटी कड़ी को भी बड़ी से बड़ी सजा दी जाए। शायद तब कम हो सके जब सिर्फ एक मजबूत कानून ही नहीं बल्कि एक मजबूत सामाजिक अभियान उन लोगों के जमीर को दस्तक दे जो इस विकृति का मजा लेते हैं। लेकिन यह एक आइडियल सिचुएशन है जो शायद हकीकत में कभी मुमकिन ना हो पाए। लेकिन एक चीज पॉसिबल है, अवेयरनेस, जानकारी। अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के सभी पहलुओं को स्कूल और कॉलेजेस में वर्कशॉप के द्वारा इन पिछड़े हुए इलाकों में बार बार हैमर किया जाए तो इन ट्रैफिकिंग के दलालों के हाथ लड़कियां इतनी आसानी से नहीं लगेंगी। और ये कोशिश फ्लैश ट्रेड के खिलाफ लड़ाई में एक बहुत बड़ी जीत है, जैसा कि आज के इस केस ने साबित कर दिया। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक के एक और एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।